तो एक गेम का एक नया युग शुरू होने वाला है। करीब 6 से 7 साल बाद प्लेस्टेशन का एक नया कंसोल PS5 आने वाला है। बट सोनी वालों ने बिल्कुल सही नहीं किया। क्या भारत के अंदर प्लेस्टेशन वालों की कमी है या फिर भारत में गेम खेलने वालों की कमी है? मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि हमारे देश में बावजूद इसके कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनको कुछ नहीं मिल रहा सोनी की तरफ से। जैसे कि सबको पता है कि PS5 आने वाला है, तो सभी फॉरेनर यूट्यूबर्स को क्या किया गया, ये रिव्यू यूनिट जो है वो फ्री में दी गई है PS5 की। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि यार उनको क्यों दी गई, अब दी अच्छी बात है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि यार मुझे दो। खैर मुझे 509 या 510 सब्सक्राइबर वाले को देकर भी क्या कर लेंगे, उसमें भी ग्लिच चल रहा है। खैर खैर मैं उस ग्लिच वाले पे नहीं जाता हूं, फिर से दिल का दर्द बाहर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार हमारे देश में भी अच्छे खासे फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, फॉलोवर्स नहीं जिनके पास अच्छे खासे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उनको तो वो दे सकते थे। और वैसे भी हमारे देश में डब्बे खोलने वालों की कमी नहीं है, वो भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस वाले हैं। और ये सही नहीं कर रहा है यार सोनी, क्योंकि यार वो फॉरेनर वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और भारत वालों को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। क्या यार हम क्या इंसान नहीं है? वैसे ये देखा जाए तो यार भेदभाव वाली बात होती है यार, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आ जाती है, हमें आवाज उठानी चाहिए। क्या कर रहा हूँ कंट्रोल। बट फिर मैंने ध्यान से सोचा कि सोनी वाले क्या सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि भारत में कोई गेमिंग कम्युनिटी वाला होता तो उसके पास जाते, और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो पबजी खेलने वाले को गेमिंग कम्युनिटी में माना जाता है, तो ऑब्वियसली यार वो फिर वो क्यों आएंगे। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको लगता है कि हमारे देश जो है वो दूसरे देश का कंटेंट कॉपी करता है, तो पहले हमें सिखाया जा रहा है कि देखो यार रिव्यू ऐसे करते हैं ताकि तुम इनको देखकर अपने देश में कॉपी करके लोगों को बता सको। इन दोनों बातों के अलावा तीसरी बात बस यही हो सकती है कि कोई जरूरत नहीं समझे इस देश के लिए। क्या यार छोड़ ना यार, ये देख लेंगे ना बाहर वालों को दे दिया है तो। बट तरस आता है कि हमारे देश के यूट्यूबर बेचारे होलोग्राम से काम चला रहे हैं। खैर कुछ ना कुछ तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना, और जिनके पास होलोग्राम नहीं है तो वो फोटोशॉप के माध्यम से अपने बेचारे सब्सक्राइबर को खुश करने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो थी यार सिर्फ मजाक की बात। अब अगर आप देखो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत जो है वो 265 मिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ वर्ल्ड में नंबर वन पे आता है जहां पर हम यूट्यूब यूज करते हैं, तो ये भारत में धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। तो देखा जाए तो एक 265 मिलियन की एक मार्केट है भारत के अंदर YouTube यूजर्स की। तो हमें क्या प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए थी? यार प्रायोरिटी छोड़ो यार, हमें इक्वालिटी दे देते वही बहुत था। और हम इतनी बड़ी मार्केट है, बावजूद इसके कि मार्केट का ध्यान रखना चाहिए, प्रायोरिटी किसी और को दी जाती है। और केवल ये PS5 की बात नहीं है, आप किसी भी फोन को उठाकर देख लो, कोई अच्छा खासा फोन होता है वो कहीं और जाता है पहले भारत में आने के अलावा। यानी भारत के जो रिव्यू करने वाले जो चैनल है, जो टेक चैनल, उनके पास वो चीज आती ही नहीं है, और हम बेचारों को मन मसोच के रहना पड़ता है और बाद में वो चीजें देखने को मिल जाती है। ये जानते हुए कि हम काबिल है, बावजूद इसके भी हमारी काबिलियत को पहचाना नहीं जाता, ये देखकर बड़ा दुख होता है यार। वैसे जाते जाते एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। भारत में अगर हम रह रहे हैं और यहाँ पर हम YouTube चलाते हैं, तो हमें भारत का ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाई देते हैं। ये तो बात सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो समझ लेना कि हम भारत में, तो हमारी लोकेशन जो YouTube में होती है वो इंडिया जो सिलेक्ट होती है, तो देखना कि हमें वो इंडिया की, भारत की ही ट्रेंडिंग चीजें दिखाएगा। अगर आप वहां पर नेपाल, भूटान तो वैसे नहीं है, बांग्लादेश कर दोगे या श्रीलंका कर दोगे, तो वहां की जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आप लोगों को शो होने लग जाएंगे। ऐसे ही US का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कनाडा का अपना ही ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है, वहां पर ये सब चीजें चलती है। टॉपिक का मतलब कि वहां की जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं वो वहां पर शो करती रहती हैं। और हम भारत वालों ने क्या किया, जब ये PS5 की जो यूनिट जो ये फॉरेनर यूट्यूबर के पास गई रिव्यू के लिए, हमने उसको इतना देखा कि हमने उनकी वीडियो वहां तो हो ही रही थी, साथ ही साथ हमने हमारे देश के अंदर भी उसे ट्रेंड कर दिया। यार क्या वो चीज भारत वाला नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता था, करना ही क्या था, PS5 को खोल के तो दिखाना था, उसके कंट्रोलर दिखाने थे, PS5 को चलता हुआ दिखाना था, उसकी लाइट जलती हुई दिखानी थी, बताना था कि उसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी है, ये सब चीजें दिखानी थी यार, उसकी केबल दिखानी थी। ये कौन नहीं कर सकता, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बैठे हैं मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं, यार छोड़ो छोड़ो उस दर्द को बाहर नहीं निकाल। मेरा कहने का मतलब है हमारे टेक्निकल गुरुजी भैया की बात कर लो यार, वो इतने बड़े 20 मिलियन तकरीबन उनके पास सब्सक्राइबर हैं, तो यार उनको तो दे सकते थे ना, वैसे भी तो डब्बा खोलने में वो माहिर हैं। बट इन चीजों को देखते हुए मुझे एक चीज ये लगती है कि यार ये लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, बट हम है नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लेना, और फिर भी ना आए तो यार बंद ही कर देना यार, मैं क्या कर सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही करते हैं यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।